हेलो फ्रेंड्स, ऑन पब्लिक डिमांड में ये वीडियो आप सबके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप सबने बहुत रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए कि ये वीडियो बनाओ और हमें बताओ कि माइक्रोनिश के कुछ जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, किन माइक्रोनिश पे हमको अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन सबसे रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल नीश, कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल माइक्रोनिश, तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे 10 माइक्रोनिश कवर करने वाला हूँ। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, आप सब देख रहे हैं ट्राई डबल ओटेक, ट्रायोटेक नाम मत भूलेगा। तो बहुत टाइम से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स बताओ अमित भाई, जिससे हम मतलब अपने माइक्रोनिश वेबसाइट स्टार्ट कर सके। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रॉफिटेबल माइक्रोनिश है वो है आर्चरी। अगर आप आर्चरी के बारे में बताते हैं, आर्चरी मतलब होता है, आपने देखा हो जो आर्चरी एक स्पोर्ट्स है, तो अगर आप उसके बारे में बताना चाहते हैं तो बाहर के लोग बहुत इसके बारे में सर्च करते हैं और लोगों की हॉबी भी होती है। अगर आप इसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसके अराउंड आप वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है और ट्रैफिक भी अच्छा खासा आपको मिलेगा, और वो भी आउट ऑफ इंडिया का ट्रैफिक आपको मिल सकता है। तो अब बात आती है कि आप इसको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज करने के लिए आप एडसेंस लगा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर आप अपने कुछ अफिलेट प्रोडक्ट्स आर्चरी से रिलेटेड या फिर आप कोई और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट अपने जो ब्लॉग है उस पर प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे दूसरे माइक्रोनिश टॉपिक की, तो वो होगा लेंस फाइंडर। लेंस मतलब आपका जो कैमरा होता है उसके लेंस के बारे में आप बता सकते हैं। डेडिकेटेडली आपका जो ब्लॉग है आप लेंस के बारे में ही लिखिए। आप लोगों के उनके बजट के हिसाब से लेंस फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं कि लाइक इतने 50,000 में ये लेंस होगा, 1,00,000 या फिर 2,00,000 में ये लेंस होगा। और लेंस तो इतने सारे होते हैं कि आप उस पर बहुत सारा मतलब ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट यहाँ पे है कि आप यहाँ पे अमेजोन अफिलेट कर सकते हैं। यूएस यूके का ट्राफिक अगर आप लेके आते हैं तो कन्वर्ट होता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो इसीलिए अगर आप बाहर के ट्राफिक लेना चाहते हैं तो बाहर के amazon.com के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा उनके अफिलेट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद फिर आप वहां से अच्छी खासी कमीशन बना सकते हैं। अगर आप सपोज डेली का आपको 1,000 ट्रैफिक भी आता है तो वहां से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो लोगों की लेंस फाइंड करने में हेल्प करिए और अपना रेवेन्यू जनरेट करिए। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे माइक्रोनिश टॉपिक की तरफ। तो तीसरा जो माइक्रोनिश टॉपिक है, नीश है, उसका नाम है डॉग्स स्पोर्ट्स गियर। अगर आप जैसे डेडिकेटेडली एनिमल्स के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहते हैं कि लाइक आप किसी कैट के बारे में बता रहे हैं या फिर आप डॉग के ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को अपने पेट से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो अगर आप उनको इस चीज के बारे में कंटेंट दे रहे हैं कि आप अपने डॉग से रिलेटेड क्या क्या एक्सेसरीज ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्पोर्ट्स गियर होते हैं डॉग से रिलेटेड, इवन आप और सारे एनिमल्स को भी कवर कर सकते हैं। डेडिकेटेडली आप कैट के ऊपर बना सकते हैं। कुछ लोगों को अलग अलग मतलब हॉबीज होती हैं, अलग अलग पेट्स रखने का शौक होता है, तो आप देखिए कि कौन से पेट मोस्ट प्रोबेबली डॉग्स के ऊपर ज्यादा सर्चेस होते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे भी आपका अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो आप अमेजोन अफिलेट सबसे बेस्ट है, और इवन आप दूसरे जो अफिलेट नेटवर्क हैं वो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे शेयर अ सेल हो गया, उसके बाद जेवीजू हो गया। तो ये कुछ ऐसे जो बड़े बड़े अफिलेट नेटवर्क हैं, यहाँ पे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आप अपने ब्लॉग पे प्रमोट कर सकते हो। तो मेन जो बात यहाँ पे कि आपको अपना कंटेंट इतना अच्छा रखना पड़ेगा, इतना मतलब कन्वर्टिंग रखना पड़ेगा कि जो यूजर्स हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो अंकित के साथ की, तो अंकित सिंगला भाई ने बताया कि आप ऐसे करिए कि आप सेल नहीं कर रहे हैं, सेलिंग विदाउट सेलिंग। आप अगर ऐसे करते हैं, आप ज्यादा वैल्यू देते हैं और 20% प्रमोशन करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस है कि आप वहां से कन्वर्जन देख पाओ। तो अगर आप इस पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाहर के यूएस यूके का ट्रैफिक आपको अच्छा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारे फोर्थ माइक्रोनिश की, तो जो चौथा माइक्रोनिश टॉपिक है, आप अगर जैसे मैंने लास्ट नीश वीडियोस में आपको बताया था कि आप एक जो आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर एक चीज आती है, एक माइक्रोनिश आता है, जो कि है वॉल डेकोर। मतलब वॉल डेकोरेटिंग के ऊपर अगर आप बनाते हैं ब्लॉग, आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसके ऊपर भी सर्च बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छा रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर हम बात करें मोनेटाइजेशन की कि आप किस तरीके से इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, तो आप इसको अफिलेट प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर के उससे मोनेटाइज कर सकते हैं, नहीं तो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स, खुद की सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से कि आप किसी इंटीरियर डिजाइनिंग जो कंपनी है, इंटीरियर डिजाइनर का काम करती है, जैसे कुछ कंपनी है फ्लिप स्पेसेस आई थिंक ये एक कंपनी है, तो यहां पे आप उनसे टाई अप कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि लाइक हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट अपने ब्लॉग पे डाल सकते हैं उनकी, तो यहां से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। आप उनको रेंटल दे सकते हैं कि हर महीने हम आपका जो ब्लॉग है आपको एक ब्लॉग दे देंगे, और यहां पे जितना भी ट्रैफिक आएगा उसको आपका ब्रांड अवेयरनेस में हेल्प करेंगे, और उसके एवज में आप पैसे ले सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन अब इसमें भी बात आती है कि आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और सिंपली आप घुस गए इसमें, तो वही है कि भाई
तीन चार महीने काम करेंगे, पांच महीने काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो इसीलिए अगर आप डेडिकेटेडली आर्ट एंड क्राफ्ट के मतलब क्रेजी हैं, और आप अगर वॉल डेकोर जो इंटीरियर डिजाइनर जिसका मतलब जो बोलते हैं ना फोर्टे है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। अगर हम अपने पांचवें माइक्रोनिश टॉपिक की बात करें तो बहुत लोग ये सर्च करते हैं हैक्स। हैक्स मतलब लाइफ हैक्स, और जैसे दुनिया भर के ग्रोथ हैक्स। तो अगर आप सिर्फ हैक्स के ऊपर बताते हो, जैसे एक पेज है फेसबुक पे आपने देखा होगा 5 मिनट क्राफ्ट करके आई थिंक उनका पेज है, तो वो क्या करते हैं, वो दुनिया भर के हैक्स, अंडों से हैक्स, उसके बाद फिर खराब कपड़ों से हैक्स। तो ये सब थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लोग इसको मतलब मजे से देखते हैं, मजे से पढ़ते हैं और उसको शेयर करते हैं। और अपने ब्लॉग पे आप वीडियोस भी एम्बेड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको यूट्यूब पे भी व्यूज मिलेंगे। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग मतलब हैक्स को सीखना पड़ेगा और उनको अपने ऑडियंस को बताना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत ही मजेदार रहता है अगर आप इस, क्योंकि इसको करने में मजा भी आएगा। तो अगर आप ये चीज कवर करते हैं तो इस पे भी आपको ट्रैफिक आएगा। और मोनेटाइजेशन अगर आप बात करें तो मेन आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आपकी जो पोस्ट होती है वो ज्यादातर शेयर होती है, बहुत ज्यादा लोग आपकी पोस्ट को शेयर करेंगे। उसके बाद फिर एडसेंस तो है ही, उसके साथ साथ और भी जितने भी नेटवर्क एड नेटवर्क्स हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही सही यहाँ पे रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 6th टॉपिक की तरफ। तो जो 6th टॉपिक होता है, अगर आप टेक सेवी हैं, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अभी क्या होता है ना कि जो भी जिनको भी देखो वो सब लोग टेक्नोलॉजी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा है, टेक्नोलॉजी में हम काम कर पाएंगे। तो भाई मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, जैसे हेल्थ नीश बहुत वास्ट है, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज आती हैं, वैसे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा नीश है, उसके अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो नीश आते हैं। तो अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर कवर कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, आपको इतना कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा कि मतलब आप बोलोगे मेरी इतनी मेहनत अगर मैं किसी और नीश पे करता तो मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी सेवी हैं, आपको टेक पे ही करना है, तो आप डेडिकेटेडली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़ लीजिए। जैसे आप सिर्फ एक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, ड्रोन के ऊपर आप सिर्फ ड्रोन के ऊपर लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ राउटर के ऊपर लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के ऊपर लिख सकते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ माइक के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नीश है जो कि माइक्रो नीश है, जिनके ऊपर अगर आप काम करना चाहें तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैटेगरी लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि अगर आपको पिज्जा खाना है तो आपके दिमाग में डोमिनोज आता है, तो क्योंकि डोमिनोज इज द कैटेगरी लीडर। तो इसीलिए आप हमेशा अपने कैटेगरी लीडर बनने की कोशिश करें और जो कंटेंट है अपने कंपटीटर से अच्छा कंटेंट दें और कन्वर्जन तो ऑटोमेटिकली होगा। तो अगर हम बात करें हमारे 7th माइक्रो नीश टॉपिक की, तो वो है इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स मतलब जो जैसे आपके मनी प्लांट्स होते हैं, आपके छोटे छोटे कुछ ट्रीज होते हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, आपने देखा होगा छोटे छोटे पीपल के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे बनाना के पेड़ होते हैं, या फिर वो छोटे होते हैं, मतलब उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अमेजोन पे आप देखेंगे, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा उनको क्या, कौन से ट्रीज बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दो। और तो वो ट्रीज के बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, तो बाहर में कॉम्पिटिशन इतना नहीं है इसमें, बट इस पे सर्च बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पोटेंशियल बहुत है इस कीवर्ड में, और इसके ऊपर अगर आप ब्लॉग चालू करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ट्रैफिक आने का चांसेस है। और आप अगर नेचर से प्यार करते हैं, नेचर को मतलब लव करते हैं, तो ये आपके लिए एक मतलब डबल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो 8वां माइक्रोनीश टॉपिक है वो है वुड स्टोव्स। वुड स्टोव्स मतलब लकड़ी के जो स्टोव्स होते हैं। मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च किया था, कीवर्ड में कल रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि वुड स्टोव्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा सर्च होते हैं। मतलब ठीक है, कॉम्पिटिशन इतना नहीं है, कॉम्पिटिशन भी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और अगर आप इस पे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, आपको ट्राफिक मिल सकता है। अगर आप फूडी हैं, आपको खाने में इंटरेस्ट है, आप तो इसको कवर कर सकते हैं, उसके अराउंड आप और सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़े बहुत मतलब क्रिएटिव रहिए यार, क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो कहीं पे भी कोई भी नीश होने दीजिए, और डेडिकेशन के साथ काम करिए तो आपको सक्सेस सब जगह मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने 9th नीश की तरफ। तो जैसे आप सब में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि लाइक हम हेल्थ के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं, बट हेल्थ इज अ वास्ट इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया, और कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है इसमें। मैंने इतना देखा कि भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स, आप कन्वर्जन जल्दी होता है, लोग मतलब जितनी भी आज के टाइम में जितना ज्यादा आपको सुकून मिल रहा है, मतलब आपकी लाइफ इतनी ईजी होती जा रही है, उतनी जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती जा रही है। तो उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है डायबिटीज, आपको पता होगा। तो डायबिटीज आपने देखा होगा लास्ट 3-4 साल 5-6 साल में बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है, कितने ज्यादा पेशेंट्स बने हैं। मतलब हर, अगर आप देखो, आदमी काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी मोटा हो जाता है तो उसको डायबिटिक हो जाता है, वो डायबिटीज का मरीज हो जाता है।
तो अगर आप सोचें कि अगर आप इसके ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेडिकेटेडली कोई ब्लॉग नहीं है, इक्के दुक्के मैंने देखे जो है, बाकी उनमें भी इतना पोटेंशियल नहीं है, आप इजीली उनको आउटरैंक कर सकते हो। तो अगर आप डायबिटीज के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे ही डायबिटीज के अलावा आप कोई पर्टिकुलर एक डिजीज को पकड़िए, उसी को टारगेट करिए, और इसमें भी ऐसे आप माइक्रो निश बना सकते हैं कि लाइक डायबिटीज फॉर मैन, डायबिटीज फॉर वुमेन, डायबिटीज फॉर लाइक ए बच्चों के लिए भी, आजकल तो बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है, तो उसी में अगर आप कोई और बीमारी पकड़ के उसको पर्टिकुलरली एक नीश, एक जो जेंडर रहता है, जेंडर स्पेसिफिक बना देते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और आने वाले टाइम में यार बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं, तो आपको भी यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो दसवां नीश मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही मतलब पॉपुलर होने वाला है और हो रहा है। तो जैसे बहुत लोगों ने देखा होगा कि मैं इंटरव्यूज करता हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आप सिर्फ यूट्यूबर्स का इंटरव्यू करो, मतलब अपने ब्लॉग पे सिर्फ यूट्यूब की जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, उनका ही उनके बारे में बताओ, उनकी बायोग्राफी लिखो और ट्राई करो कि उनसे इंटरव्यू कर पाओ, तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आप सोच नहीं सकते हो यहाँ पे। क्योंकि लोग सर्च करते हैं, जैसे जियो आया उसके बाद फिर यूट्यूब इंडस्ट्री एकदम इवॉल्व हुई है, पूरा चेंज हो गया है। पहले 2 साल पहले कैसी थी इंडस्ट्री कोई नहीं जानता था, हमारा तो यूट्यूब भी लोड नहीं होता था, हम 2G पे चलाते थे। उसके बाद फिर आज के टाइम में क्या हो गया कि भाई सबके पास जियो है, सबके पास नेटवर्क है, सबके पास डेटा है, तो सब लोग सर्च करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो अगर किसी के वो फैन हो जाते हैं तो उसके बारे में सर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप देखते होंगे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी वीडियोस कितनी लाखों में जाती है, तो वो मतलब आपको इंस्टेंट पब्लिसिटी वहीं से मिल रही है। और अगर आप किसी एक आध यूट्यूबर को कॉन्टेक्ट कर लिया अपने ब्लॉग के लिए, उनके बारे में लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर कर देंगे और आपको वहां से भी प्रॉफिट मिलेगा। जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा आपको रेवेन्यू, उतना ज्यादा ट्रैफिक, उतना ज्यादा पोटेंशियल, और बहुत लोग आप जान सकते हो कि इसमें कितना पोटेंशियल है। तो भाई देखो, ये कुछ ऐसे 10 नीश थे जो मैंने आप सबको बताए। आई होप आप सब इस पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट नीश होगा, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे नीश हैं जिनको आप फोकस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इन्हीं नीश में ही आप घुसो, बहुत सारे नीश है। मैंने कुछ आपको पिक्चर दिखाई है थोड़ी सी कि 10 ऐसे नीश जिनको आप काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है आप सबको बताने का। तो अगर आपको नहीं पता माइक्रो नीश क्या होता है, तो आप मेरी जो वीडियो है वो देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है माइक्रो नीश क्या होता है, और अगर कुछ टॉपिक्स चाहिए तो ये इस वीडियो में मैंने कवर ही कर दिया। तो भाई लोगों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोस देखनी है, और कुछ जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप नए मेहमान हो, पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार मुझे मेरा फेस देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन वाला घंटा भी बजा देना, उसके बाद फिर आप, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता है तो थोड़ा सा अंदर से खुशी होती है, जब एकदम जो फर्स्ट कमेंट करता है वो बंदा, तो मतलब अलग ही फीलिंग रहती है कि भाई इस बंदे ने पहला कमेंट किया, तो वो मोटिवेशन आता है अंदर से। तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको पता होगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे, और एक कनेक्शन बनता है आप सबके साथ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी डेली लाइफ में क्या चलता रहता है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे कुछ, मैंने 2 चैनल स्टार्ट किए हैं, एक मेरा जैसे व्लॉगिंग चैनल है जिसमें मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ कि जैसे मैं अपनी जिंदगी में जी रहा हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरा जो दूसरा एक अनबॉक्सिंग मतलब डब्बा खोल चैनल है, जो आप सबने मुझे रिकमेंड किया, बहुत लोगों ने बोला कि, और थोड़ा सा मुझे कंपनियां भी अप्रोच कर रही थी, तो मैंने बोला चलो खोल देते हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फोन वर्सेस मोबाइल उसका नाम है, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए अपने भाई को यार, और बस ऐसे ही बने रहिए चैनल पे आया करिए, और बस फिर हम मिलते हैं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय।